हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 5.1 फॉर क्लास 6। टुडे डेट इज 7 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। भैया में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर राइट करना है। ओके, तो जब हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर राइट करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इनके अंदर डिवाइड देना होगा हमें। ओके, तो देखो 20 के अंदर किसका डिवाइड देना है हमें, 3 का। अब 3 की टेबल में क्या 20 आता है भाई, 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो 3 की टेबल काउंट करेंगे तो 3 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 20 में से जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कर लेंगे 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2। और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ओके, तो भाई अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में राइट करना है, तो कैसे करेंगे, जो 3 होगा ये हमारा नीचे आ जाएगा, 6 हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देखो हम इसको कैसे राइट कर देंगे, 6 एंड 2 अपॉन में 3, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो जाएगा। इसको काउंट करके देखना चाहो तो देख सकते हो, 3 6 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 3। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट है 11 अपॉन में 5, तो भाई हम क्या करेंगे, 11 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे। ओके, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 10। ओके, 11 में से अब 10 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर लेफ्ट साइड और लेफ्ट का नंबर डाउन साइड। ओके, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 अपॉन में 5। काउंटिंग करके देख सकते हो, 5 2 10 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 अपॉन में 5। इसी के साथ हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 8 अपॉन में 3, तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 8 के अंदर हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे। ओके, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा तो 8 9 होगा, जो 8 से चला जाएगा तो क्या रखेंगे हम, 3 2 जा 6। अब 8 में से हम क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ओके, तो अब हम इसकी मिक्स फॉर्म करेंगे तो वही हमारा प्रोसेस रहेगा, राइट का नंबर लेफ्ट साइड, लेफ्ट का नंबर डाउन साइड और डाउन का नंबर अप साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 अपॉन में 3। हम इसको काउंट करके देख सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। ये दोनों नंबर हमेशा क्या होंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर हमेशा ऐड करते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। भाई ये हमें क्या दिए हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर राइट करना है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो नीचे ये दो लेफ्ट और डाउन साइड का जो नंबर होता है क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, और जो ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो देखो 3 की टेबल 7 टाइम काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 अपॉन में 3, नीचे का नंबर सेम रहेगा। ओके, अब 4 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 अपॉन में 4। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट है 2 4 जा 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 अपॉन में 2। तो भाई ये हमारे क्या हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू।